गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सो बेटा, वी आर डिस्कसिंग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। वी स्टार्टेड यस्टरडे। ऑलराइट, सो आई टोल्ड यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर कंप्लीटिंग द एनसीईआरटी, वी विल डिस्कस द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। So we were discussing exercise 13.2 कल कर रहे थे। 13.2 के बेटा we have discussed 8 questions. Now today we have to discuss the 9th one. So let us start. Find the lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 in diameter and 4.5 meter in height. So now what is given to you? Diameter is given to you 4.2, तो radius कितना हो गया 2.1, height is given 4.5 meter. So yesterday also I told you that in this chapter learning of the formulas is very 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 important. If you have learnt all the formulas, then you will be able to attempt the question. Otherwise it is very difficult for you because sometimes direct questions come. And if you are not aware of the formula, correct formula, then you will lose all the mark. So learn, cram all the formulas, learn the formulas by heart, right? So now here we need to find the curved surface area. Curved surface area of the cylinder is 2πRh. अब इस simple से formula में भी इतनी धज्जियां उड़ाते हो ना तुम लोग formulas की। कई बार हम देखते हैं, we people get shocked that you don't know the simple formula 2πR²h. पता नहीं स्क्वायर कहां से आ गया। जिनको डाउट होता है सारे फॉर्मूला मिक्स हो जाते हैं, मिक्स मर्ज करते हो, देन ओनली देयर इज डाउट। सो लर्न द फॉर्मूलाज, उसको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। फॉर्मूला लर्न हो गया समझो आधा चैप्टर तुम्हारा वैसे ही हो गया, ठीक है? जो टीचर बोलते हैं बेटा उसको फॉलो किया करो। सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2πRh. Radius is given to you, height is given to you. You can clearly find the curved surface area. आगे देखिए second part. Second part में कहते how much steel was actually used if one by twelve of the steel actually used was wasted in making the tank. Now a tank is to be made. Just one minute. Yes, students. Sorry. Now see, कहते अगर हमने एक टैंक बनाना है, तो कितना स्टील यूज होगा? अगर टैंक बनाते वक्त कितना स्टील वेस्ट हो गया है? 1/12 of the total steel purchased. So let this is I am doing the second part. हम मान लेते हैं कि टोटल स्टील जो मैंने परचेज किया वो कितना था, x. नाउ स्टील वेस्टेड, अब यहां पर फर्स्ट पार्ट में बेटा क्या लिखा हुआ है, दैट फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। अब फर्स्ट पार्ट में कर्व्ड सरफेस एरिया लिखा हुआ है, दैट डजंट मीन कि आपको जो टैंक है वो ओपन टैंक बनाना है। Second part is different from the first part, and in that it is written that how much steel is used in making the tank. अब जो tank बनाना है तो second part में जो we have to assume the tank to be closed, ठीक है? Open tank word नहीं लिखा हुआ, तो the tank is closed. इसका मतलब जिस steel से हमने क्या बनाना है tank, तो कितना steel चाहिए उस tank का total surface area. इतना मैंने स्टील परचेज किया, स्टील वेस्ट कितना हो गया 1/12, मींस 1/12 ऑफ एक्स, दैट इज एक्स बाय ट्वेल्व, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, इनटू एक्स, 1/12 इनटू एक्स, दैट इज एक्स बाय ट्वेल्व। अब देखो ये मैंने स्टील मार्केट से परचेज किया, उसमें से ये वेस्ट हो गया, वेस्टिंग के बाद जो स्टील बचा उससे क्या बना हमारा, मतलब टैंक बनाते वक्त इतना स्टील वेस्ट हो गया। सो व्हाट विल बी द इक्वेशन, टोटल स्टील में से
जितना स्टील वेस्ट होने के बाद हमारा क्या बना, टैंक, टैंक बना, टैंक कैसा है क्लोज, दैट इज इक्वल टू दी टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक. नाउ यू हैव टू कंपेयर द दिस विद द टोटल, नॉट विद द कर्व. आई होप इट इज क्लियर. एक्स हमने स्टील परचेज किया, उसमें से जो फोल्डिंग कटिंग एक्सेट्रा में वेस्ट हो गया वो किसके इक्वल है, टोटल सरफेस एरिया. एक्स कॉमन, 1 माइनस 1 बाय 12. नाउ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर इनटू आर प्लस एच. रेडियस आपको गिवन है, हाइट आपको गिवन है, ये कॉमन लिया, ये कितना आ गया, 12 माइनस 1, 11 बाय 12. इसमें जो भी वैल्यूज पुट करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. वी आर नॉट हेयर टू वेस्ट टाइम ऑन द कैलकुलेशंस. ठीक है, हम क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हैं ताकि एक बार दोबारा से सारे क्वेश्चन रिकॉल कर लें. ठीक है, फॉर्मूला कैसे लगना है वो समझ लें, कैलकुलेशन यू आर बिग इनफ टू डू. आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. जैसे एक एक्सरसाइज में बेटा 10 क्वेश्चंस है, उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो सीधे सीधे ही है, ओनली 3-4 क्वेश्चंस आर देयर जिसमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, जैसे एक ये था. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फिगर यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैम्प शेड, इट इज टू बी कवर्ड विद द डेकोरेटिव क्लोथ. एक लैम्प है, उसको हमने डेकोरेटिव क्लोथ से कवर करना है. द फ्रेम हैज अ बेस डायामीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर. अ मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम. हाउ मच, फाइंड हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड. अब सबसे पहले तो क्वेश्चन को रीड करके आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि हमने इस क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है. एक लैम्प शेड को बेटा अगर हमने क्लोथ से कवर करना है, देन ऑलवेज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपने उस सिलेंड्रिकल है जो लैम्प शेड बुक में फिगर गिवन है, फिगर नहीं गिवन होगी तो लिखा होगा द सिलेंड्रिकल लैम्प शेड, तो आप देखोगे आपने उसके कौन से एरिया को कवर करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया. अब साथ में कर्व्ड सरफेस एरिया आपको पता है, द रिक्वायर्ड एरिया इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द लैम्प शेड दैट इज 2 पाई आर एच. यहां से रेडियस आएगा 10. अब साथ में उन्होंने क्या बोला है कि कहते हैं जब हमने उसको डेकोरेट करना है तो 2.5 सेंटीमीटर ये हमारा लैम्प शेड है. ठीक है, ये उसकी हाइट है 30. अंदर से कपड़ा दबाया 2.5 सेंटीमीटर और नीचे की तरफ भी फोल्डिंग दी 2.5 की इधर से 2.5 की इधर से. सो व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लोथ, हाइट ऑफ द क्लोथ यूज्ड फॉर डेकोरेटिंग द लैम्प शेड, इट इज 30 इज दी हाइट, 2 प्लस 2.5 ऊपर से जो कपड़ा फोल्ड किया, 2.5 जो नीचे से कपड़ा फोल्ड किया. सो इट मीन्स 2 इंटू 22 बाय 7 इंटू रेडियस इज 10. नाउ हाउ मच क्लोथ इज रिक्वायर्ड फॉर डेकोरेटिंग, दैट इज इक्वल टू द कर्व सरफेस एरिया, बट हेयर वी हैव टू टेक द हाइट एज 35 नॉट 30. सिंपल क्वेश्चन है, अगर पहले इसकी प्रैक्टिस की होगी तो पेपर में बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. इन एग्जाम और ओनली द क्वेश्चन और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, कोई ऐसे आउट ऑफ द वे डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आपसे पूछते. सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10. नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 11. क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा कहते रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है बेटे 10.5 सेंटीमीटर. ठीक है, कहते 10 होल्डर्स बनाने हैं, 10 होल्डर्स बनाने हैं. ठीक है, तो जब एक विद्यालय है उन्होंने 10 होल्डर्स बनवाने हैं, कितने बच्चों से, 35 बच्चों से, 35 पेन होल्डर्स बनने हैं मतलब. तो कहते हैं कितना कार्डबोर्ड लगेगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर 1 पेन होल्डर. अब जो पेन होल्डर है
उसके लिए कौन सा एरिया चाहिए? पेन होल्डर, एक उसका कर्व्ड, और पेन होल्डर आपको पता है इट इज ओपन फ्रॉम द टॉप, तभी पेन डालोगे, और नीचे से कवर्ड. इट मींस द कर्व्ड सरफेस एरिया दैट इज 2πRh, और बेटा ये नीचे का एरिया, इसको भी पूरे को कार्डबोर्ड लगाओगे. दिस इज व्हाट द बेस ऑफ द सिलेंडर इज सर्कुलर, तो बेस एरिया कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द बेस एरिया, बेस एरिया मींस सर्कल प्लस पाई आर स्क्वायर. दिस इज फॉर वन पेन होल्डर, रिक्वायर्ड कार्डबोर्ड फॉर वन पेन होल्डर. आर की वैल्यू गिवन है, एच की वैल्यू गिवन है सेंटीमीटर में. फिल करोगे, आंसर निकालोगे और फिर उसको 35 से मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज द टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 पेन होल्डर्स. नाउ वन थिंग मोर आई हैव टू टेल यू, समटाइम्स बेटा व्हेन यू आर यूजिंग द वैल्यू ऑफ पाई, देन ऑलवेज रीड केयरफुली द क्वेश्चन. अगर सपोज आपको क्वेश्चन में गिवन है कि पाई की वैल्यू यूज करो 3.14, अगर क्वेश्चन में गिवन है यूज पाई 3.14 और आप 22/7 यूज करके सॉल्व करते हो, पूरा क्रॉस है. सीबीएसई सेज दैट इफ द वैल्यू ऑफ पाई इज गिवन टू यू 3.14 देन यू हैव टू यूज स्ट्रिक्टली दिस. चाहे हमें पता है कि 22/7 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3.14, बट स्टिल ठीक है, आगे टेंथ में जाओगे इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए पाई की. अगर कोई वैल्यू नहीं गिवन तो आपकी मर्जी है, तब हमारी हैबिट होती है हम यही डालते हैं, है ना. अगर वैल्यू गिवन है तो पर्टिकुलरली वही वैल्यू डालनी पड़ेगी, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट द क्वेश्चन रिलेटेड टू द सिलेंडर इन विच वी हैड टू फाइंड देयर सरफेस एरिया. नेक्स्ट इज अबाउट द कोन. Next is about the cone. So let us discuss about its formulas. Formulas, beta, again I am telling you, just cram the formulas. Curved surface area, curved ko lateral bhi bolte hain, total surface area and then the volume. Ye cone hai. The curved surface area is pi r l, where r is the radius. And L is the slant height. And what is this? This is the height. Okay. Total surface area. Total surface area is pi r into L plus r. Pi r into L plus r. And the volume of cone is 1/3 pi r square h. ठीक है? Now let us discuss the questions. अब यहाँ अब आपको बताना है कि जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा है, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चंस. डायमीटर गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया. कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. डायमीटर से रेडियस निकालोगे 10.5/2. अब चाहे इसको यहीं पे डिवाइड कर दो 5.25, चाहे बेटा सीधा ऐसे करो, यहां पर वैल्यू डाल दो. कैलकुलेशन थोड़ी इजी होती है फर्दर उसको पॉइंट्स में करने की बजाय. एंड एल यू नो, राइट? सो दिस इज वेरी सिंपल. इतने सिंपल के तो चांसेस कम ही होते आए, थोड़ा सा तो घुमाएंगे ही. ठीक है, देन इट इज नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया. अगेन एल इज गिवन एंड डायमीटर इज गिवन, तो रेडियस निकाल सकते हो. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज दिस, पाई आर इंटू एल प्लस आर. फॉर्मूला ध्यान से लर्न करना है, इट इज पाई आर इंटू एल प्लस आर. बच्चे यहाँ एल लिख देते हैं, पाई एल इंटू एल प्लस आर, उससे तो सारा क्वेश्चन गलत है. इफ योर फॉर्मूला इज रॉन्ग यू विल नॉट गेट हाफ मार्क ऑल्सो. डायमीटर को रेडियस बनाने का आधा नंबर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो छोटी क्लासेस से करते आ रहे हो. इफ फॉर्मूला इज रॉन्ग टोटल 0 मार्क्स यू विल गेट फॉर द क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. अच्छा रुको एक मिनट, थर्ड क्वेश्चन करने से पहले एग्जाम्पल्स करेंगे.
सिलेंडर वाले की एग्जांपल्स कर ली थी, अब कोन वाले की एग्जांपल करेंगे ऑन पेज नंबर 220। वन मिनट, पेज नंबर 220, एग्जांपल नंबर 4। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोन मीन्स सिलेंडर एंड कोन, उससे कंफ्यूज नहीं होना। हू स्लांट हाइट इज दिस, बेस रेडियस इज दिस, रेडियस गिवन है, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट मीन्स एल, सिंपल है। सेकेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। तो वॉट आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग इज, जब बेटा स्लांट हाइट लिखा है तो दैट इज एल, जब हाइट लिखा है, मान लो हाइट गिवन है और कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो एल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। एच, हाइट मीन्स एच ओनली, द हाइट इज 16 सेंटीमीटर, रेडियस इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। Now everyone of you know how to find the slant height. By chance formula bhool jaye to figure ko mind mein rakho. This is h, this is r, this is l. Ninth mein ho gaye ho, Pythagoras theorem sabko aati hai. Hypotenuse square is equal to perpendicular base square plus perpendicular square. L square is equal to r square plus h square. It is for those who sometimes forget the formula how to find l. L is square root of 144 plus 256, 16 square 256, कितना आएगा? 400. So L is 20 centimeter, right? अब तो बहुत इजी है, रेडियस हमें पता है 12, L हमें पता है 20, यहां फिल करेंगे एंड यू कैन फाइंड द आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6, अ कॉन कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन, अ कॉन कॉब शेप्ड समवट लाइक अ कोन हैज अ रेडियस ऑफ अ ब्रॉडेस्ट एंड, कॉब यू नो, ठीक है, उसके जो ब्रॉडेस्ट एंड मीन्स ऊपर से वो पतली होती है इस तरह से, कोन की शेप में इस तरह से अगर ले तो जो उसका ब्रॉडेस्ट एंड है, मतलब इधर ब्रॉड साइड है, ठीक है, उसका जो रेडियस है वो गिवन है आपको 2.1 सेंटीमीटर, लेंथ मींस हाइट दैट इज 20 सेंटीमीटर। आगे कहते हैं, इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, जैसे मान लो ये हमारे पास एक कॉर्न कॉब है, छल्ली जिसको बोलते हैं, ये है 1 सेंटीमीटर, कहते यहां पर कितने कॉर्न्स हैं, 4। अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 4 कॉर्न्स हैं, तो पूरे ये जो पूरा इधर जो उसका, अब क्या निकालना है कॉर्न का, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अगर आप देखोगे जो कॉर्न लगे होते हैं कॉर्न कॉब में, वो कौन से एरिया पे लगे होते हैं, टिप पे तो नहीं लगे होते ना, ऐसे साइड पे लगे होते हैं। इट मींस वी हैव टू फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल, रेडियस गिवन है 2.4, एल निकालो, आर स्क्वायर 2.1 4.41 प्लस 400, दिस विल बी square root of 404.41 को बेटा अगर आप सॉल्व करते हो आपके पास आता है 20.11। ये देखो, यू हैव डन द लॉन्ग डिविजन इन 8th क्लास। इधर देखिए, पीछे से शुरू करते हैं पेयरिंग, 2 2s, आप इसके फैक्टर्स भी बना सकते हो या लॉन्ग डिविजन से अगर आपको याद है, तो पेयर नीचे उतारेंगे, 0 4, 2 का डबल 4, दिस इज व्हाट, 4 4, इसके साथ 0 भी लगाएंगे तब 41 लगाओगे, 41, सो 41 वन्स आर 41 आएगा, 41 इज ग्रेटर देन 4, इट विल गो विद 0,
40 के जीरो से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा, रिमाइंडर इज 4। डेसिमल के बाद वाला नंबर नीचे उतार रहे हैं तो डेसिमल आ जाएगा क्वेश्चन में 41, 20 का डबल 40। बेटा इसके बाद हमें अप्रोक्सीमेट लेंगे, इधर देखिए 40 के साथ 1 लगाओ, 1 401, 2 लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू फाइंड दिस। सो इट विल बी 04, फिर अपनी तरफ से 0 लेना होता है, 20 पॉइंट ये लेने की जरूरत नहीं है। द स्क्वायर रूट ऑफ 404.41 इज अप्रोक्सीमेटली 20.1। या वैसे एक बात बताऊं, ये सब करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेट आंसर देना है। आपको पता है 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20। अब आपके पास क्या है, थोड़ा सा ही ज्यादा है 404.41, तो अप्रोक्सीमेटली ले लो 20.1, 20.2 भी ले सकते हो, अप्रोक्सीमेट आंसर ही आएगा। ठीक है, एल की वैल्यू आ गई, एल की वैल्यू आएगी तो पाई आर एल निकालोगे। पाई आर एल बुक वालों ने निकाला हुआ है कितना है, 132.7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास कॉन कोब है उसका कितना एरिया आया है, इतना। आगे हमने क्या फाइंड आउट करना है, कहते हैं अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 कॉन्स है तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने कॉन होंगे, इसको 4 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके बच्चे आंसर आता है 530.92। अप्रोक्सीमेट आंसर देना है क्योंकि कौन सिंगल सिंगल कौन है, डेसिमल में नहीं हो सकता, तो आप लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली 531 कॉन्स आर देयर इन दैट कॉन कॉब हु इज हैविंग दिस मच एरिया। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, दोज आर वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, द स्टूडेंट दोज आर अटेंडिंग द क्लास they are going to be benefited. जो enjoy करते हैं they are going to suffer at the last. आपने बेटा उनको follow नहीं करना, ठीक है, be your own self. खुद अपना जैसे अच्छे बच्चे हो वैसे ही बने रहना। चलिए now we are going to discuss the question number 3, 13.3 का। ये बहुत इजी है, ये हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे बेटा। थर्ड फोर्थ आर वेरी इजी, रेडियस हाइट गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लो, टोटल निकाल लो। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट लेंथ ऑफ तारपुलीन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। Assume that the extra length of the material that will be required is 20 centimeter. अब हमने क्या करना है? Tarpaulin समझते हो? A cloth, I have told you earlier also, जैसे तरपाल जिसको हम बोलते हैं ना, it is a type of a cloth which is used to protect the things from rain, from water. तो जब हम market में tarpaulin लेने जाते हैं, वो किस shape में होती है? Rectangular. Length कितने? कैसे मिलती है? एज पर दी लेंथ, ऐसे है, ऐसे एक हमें मिल गई लेंथ और ब्रेथ। इसको फोल्ड करके हमने क्या बनाना है, एक कोन। क्या बनाना है हमने? कोनिकल टेंट। और जब भी टेंट होता है, टेंट का हम कौन सा एरिया निकालते हैं? कर्व्ड, क्योंकि बेस पे लगता है टेंट, फ्लोर पे, जमीन पे, वहां तो कोई तारपुलिन यूज नहीं होगी। सो व्हाट इज द रिक्वायर्ड एरिया हियर? पहले तो आपने ये देखना यहाँ कौन सा एरिया। रिक्वायर्ड एरिया इज द कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल। हाइट है 8 मीटर, रेडियस कितनी है 6 मीटर। एल चाहिए तो बेटा हमें क्या निकालना पड़ेगा एल। एल इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 864, 100।
एल कितना आ गया 10. नाउ 22 बाय 7 इंटू 6 इंटू 10, दिस इज द रिक्वायर्ड कर्व सरफेस एरिया. ये हमारे पास आया 188.57 meters. अब ये क्या है? This is the area of the tarpaulin which is used to make the conical tent. हमने एक tarpaulin लिया, उसको fold किया, conical tent का area ये है. Now this is equal to what? This curved surface area of the conical tent is equal to the area of the tarpaulin. Tarpaulin कैसा था हमारे पास? Rectangular, that is L into B. बात समझ में आ गई? Tarpaulin का एरिया कैसा है? Rectangular, L into B, क्योंकि इसकी ब्रेथ गिवन है. उसी को फोल्ड करके हमने टेंट बनाया जिसका कर्व सरफेस एरिया हमारे पास आया बेटे, तो हमारे पास क्या आई? लेंथ. ब्रेथ कितनी गिवन है हमारे पास? ब्रेथ है 3. इसको 3 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी? लेंथ 62.8 समथिंग. ये क्या आ गई? लेंथ. अब आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? कहते 20 सेंटीमीटर वो टेंट बनाने में वेस्ट हुआ. अज्यूमिंग कितने लेंथ में से 20 सेंटीमीटर वेस्ट, मतलब जो वेस्ट हुआ वो भी तो हमारी जो हमने tarpaulin पर केस किया उसमें लगेगा. 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, 0.2 मीटर. सो यू विल ऐड इनटू दिस. सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द tarpaulin वी हैव परचेज्ड? दैट इज 63 मीटर्स. फाइन. सो बेटर डिस्कसिंग द एनसीईआरटी क्वेश्चन. सम ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि ये एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं तो हमें तो एक्स्ट्रा करने हैं. सो बेटा For 3-4 days, we are going to discuss the NCERT question because that are the first main priority. वो सारे एक बार हम discuss कर लेंगे तो extra questions करने easy होते हैं. Sometimes what we think कि चलो NCERT बच्चे खुद कर लेंगे, हम extra करवा देते हैं. फिर वो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग NCERT भी नहीं करते हो क्योंकि 8 exercise हैं, सारे नहीं करते. तो हम एक बार अच्छे से class में discuss कर लेंगे quickly. तो वो सारे क्वेश्चन हमारे माइंड से एक बार निकल जाते हैं. देन व्हेन वी रिवाइज इट गेट वी फाइंड इट इजी. दिस इज माय थिंकिंग. ओके. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इजी. स्लांट हाइट गिवन है बेटे 25 मीटर. कोन है, कोन कॉनिकल टॉम्ब. डायमीटर है 14 मीटर, तो रेडियस कितना हुआ? 7. हमने क्या? फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर मीटर स्क्वायर. अब एक बार और इसमें बतानी है, जब भी आपने कोई भी एरिया निकालना है, कॉस्ट निकालनी है, तो हमेशा ये देखा करो कि कॉस्ट की यूनिट्स किस, जो कॉस्ट है वो किस यूनिट्स में गिवन है. जैसे यहाँ दिया है 210 पर 100 मीटर स्क्वायर. Now the cost is given to you according to meter square. ये already meters में है, it's fine. अगर ये centimeter में होते तो जो आपको area है वो meter में निकालना पड़ता, क्योंकि आगे हमारी cost meter में है. ठीक है. Conical tomb बनाना है हमने. ठीक है. That is what is the required area लिखा हुआ है. Conical tomb का curved surface area निकालो. Pi R L. R given है, L given है. Curved surface area निकल जाएगा. अब ये आपको पता है 100 मीटर स्क्वायर के लिए कितने मनिंग चाहिए? 210. 1 मीटर स्क्वायर के लिए 210 बाय 100, और जो गिवन है उसके लिए जो फाइंड आउट किया हमने उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट द कॉस्ट. नाउ लेट अस डिस्कस द लास्ट टू क्वेश्चंस एंड देन आवर एक्सरसाइज विल गेट कंप्लीट. रेडियस गिवन है, हाइट गिवन है. हमने जोकर की कैप बनानी है. जोकर की कैप बनानी है तो कौन सा एरिया चाहिए? अगेन दी कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर एल. आर गिवन है, एच गिवन है, एल निकाल लोगे. अब कितनी कैप्स बनानी है? 10.
सो क्या आंसर होगा उसको, कर्व सरफेस एरिया को 10 से मल्टीप्लाई करोगे. दिस इज द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन कैप एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई यू विल गेट द एरिया रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 10 कैप्स. नाउ लास्ट क्वेश्चन, हॉलो कोन्स बस स्टॉप को बैरिकेड करने के लिए, मतलब थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए बस स्टॉप को, वो जो होलो कोन्स देखे ना कलरफुल, कई बार रोड पे भी लगे होते हैं ग्रीन नियॉन ऑरेंज ऐसे करके, वो बनानी है जिसका डायमीटर गिवन है 40 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट 1 मीटर. कितने बनाने हैं हमने? 50 बनाने हैं होलो, दैट होलो कोन्स फॉर बैरिकेडिंग. And the cost is given 12 rupees per meter square. Now, what is the required area for one cone? IRL. Ab cost kisme hai? Meter mein. So you will change it into meter. 40 by 100. This is the diameter and radius kya ho jayega? 20. 20 by 100, 0.2 meter is the radius. So, look here. Now, yahan likha hai pi 3.14 use karo. 3.14, radius 0.2, L is 1. L is 1. This is for required for one cone, 3.14. Let me discuss one thing beta with you. IRL, L is given, na? No, height is given 1. L aapko nikalna hai. L निकालना है, वही डिस्कस करना था. इधर देखो, L is square root of R square. 0.2 का स्क्वायर क्या है? 0.04 और H square means 1 का स्क्वायर. ये आया है 1.04. And it is given in your book that the square root of 1.04 is 1.02. तो आप ये लर्न ही कर लेना. L की वैल्यू आ गई 1.02. तो ये समझाना था आपको. आपको अभी बुक में हिंट गिवन है, पेपर में नहीं गिवन होगा. पेपर में आपको इसको अप्रोक्सीमेट खुद ही फाइंड करना है, ठीक है? तो दिस इज फॉर वन कोन, मल्टीप्लाई करोगे 50 से, यू विल गेट फॉर 50 कोन. देन कॉस्ट, जो मीटर स्क्वायर आएगा उसको 12 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड कॉस्ट आंसर. ऑल राइट, तीन एक्सरसाइज कर ली है बेटे. 2-3 days I'll take more to complete this NCERT, then we'll come with do the extra questions, right? So see you on Monday. Take care.